तो गाइस आरसी कार्स की डिमांड बहुत ही ज़्यादा बढ़ती जा रही है और आप लोग बहुत ज़्यादा कमेंट करके बता रहे थे कि हमें आरसी कार पे वीडियो चाहिए जो कि बहुत ही ज़्यादा फास्ट हो और कम प्राइस पे आ जाए, हमारे बजट के अंदर आ जाए, 1000 रुपीज़ के आसपास की प्राइस पे हो। तो दोस्तों ऐसी कुछ टॉप 5 आरसी कार्स मैं आपके लिए लेके आया हूँ जो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है और बहुत ही कम प्राइस पे यानी कि बहुत ही ज़्यादा सस्ते पे आपको परचेज़ करने को मिलेगी और आप इन्हें खरीद पाएंगे डिस्क्रिप्शन के लिंक से। तो अभी के लिए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को सेट कर दीजिए। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो की शुरुआत करते हैं कि ऐसी आरसी कार से जो कि आपने शायद ही पहले कभी देखी होगी। ये आरसी कार हवा में भी चलती है और जमीन पे भी चलती है। इसमें आपको डुअल मोड देखने को मिलता है, एलईडीज इसमें आपको डुअल देखने को मिलती है, पीछे की साइड पे और आगे की साइड पे। पीछे की साइड पे आप चलाना चाहे तो चला सकते हैं लेकिन आगे की बड़ी ही तगड़ी लगती है। दोस्तों इसके अंदर आपको डुअल मोड के साथ और भी कई सारे फीचर्स देखने को मिलते हैं, लाइक इसमें आप चाहें तो इसे ज़मीन पर चला लीजिए, हवा में चला लीजिए और इसकी बैटरी लाइफ भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। हवा में इसे आप चलाते हैं तो लगभग ये 15 से 20 मिनट तक चल लेती है और ज़मीन पे चलाते हैं तो ये 40 मिनट्स का आपको रन टाइम देती है। 4 डिफरेंट प्रोपेलर्स इसमें आपको देखने को मिलते हैं और उसे आप 360 डिग्री तक भी रोटेट करवा सकते हैं, लाइक आप जैसे ड्रोन उड़ाते हैं उस तरह से अपनी कार को भी अब हवा में उड़ा पाएंगे। इसके साथ आपको इसका रिमोट कंट्रोल मिलता है, एक स्क्रू ड्राइवर मिलता है, USB चार्जिंग केबल मिलती है और मिल जाती है एक यूज़र मैनुअल। इसके अंदर मिलने वाले रिमोट कंट्रोल से आप इसे 360 डिग्री तक रोटेट कर सकते हैं और 1 की टेक ऑफ एंड लैंडिंग का फीचर भी इसमें दिया गया है। इसके रिमोट के अंदर AAA बैटरीज लगती है और ये काफ़ी इजीली आप चार्ज भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको 40 मिनट्स का इसको चार्जिंग टाइम देना पड़ता है। ये आपको काफ़ी सारे कलर ऑप्शंस में मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक से आप इसे अभी जाके खरीद सकते हैं। तो कैसी लगी ये हवा में उड़ने वाली कार कमेंट बॉक्स में एक बार ज़रूर बताइए और हाँ आपने कभी ऐसी कार देखी थी क्या इसके बारे में भी कमेंट बॉक्स में बता देना। तो गाइस चलिए अब बात करते हैं हमारी अगली कार के बारे में जो ऑफ रोडिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा तगड़ी रहने वाली है। इसका नाम है 4-व्हील ड्राइव एलॉय कार और यहाँ पर आपको आरसी कार की कैटेगरी के अंदर सबसे बेस्ट कार सबसे कम प्राइस पे मिलने वाली है। इसके टायर्स बहुत ही ज़्यादा तगड़े हैं और ये अपना साइज चेंज भी कर लेते हैं। जब भी सिचुएशन आती है कि इसको ऑफ रोडिंग करनी है, प्लेन सरफेस पे चलना है, तो ये अपने टायर के साइज को अपने हिसाब से मैनेज कर लेती है। यहाँ पर आपको काफ़ी बढ़िया सा इसका सस्पेंशन देखने को मिलता है यानी कि ऊबड़ खाबड़ सर्फेसिस भी ये काफ़ी अच्छी तरह से कवर कर लेती है। ये आपको रेड एंड ग्रीन दो कलर ऑप्शंस के अंदर देखने को मिलती है और इसका साइज़ भी काफ़ी ज़्यादा कॉम्पैक्ट है। अगर आप इसे बहुत ही ऊपर से नीचे गिरा देंगे तो इसमें शॉक एब्जॉर्बेंट लगे हुए हैं तो बड़ी आसानी से ये शॉक को भी झेल लेती है। इसमें बहुत ही तगड़ी वाली पावर आपको देखने को मिलती है और आप इसे स्टंट्स वगैरह भी करवा सकते हैं। काफ़ी अलग अलग सर्फेसिस पे ये चलाने के लिए कैपेबल है तो आप इसे पहाड़ों में चलाइए, पानी में चलाइए या फिर आप इसे सैंड वगैरह में भी चलाते हैं तो काफ़ी अच्छी तरह से ये परफॉर्मेंस देती है। 40 से 50 मीटर की रेंज तक आप इसे अपने रिमोट कंट्रोल की मदद से कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें 2 स्पीड मोड भी आपको देखने को मिलते हैं और गियर स्विच भी मिल जाता है इसके रिमोट कंट्रोल के अंदर। चार्जिंग टाइम के बारे में बात की जाए तो यहाँ पर आपको 2 आवर्स का इसको चार्जिंग टाइम देना पड़ता है और रन टाइम की बात की जाए तो आपको 40 से 45 मिनट्स का इसको रन टाइम देना पड़ता है। और इसकी खास बात ये भी है कि अगर आप चाहते हैं कि इसको चारों टायर पर ना चलाया जाए, इसको सिर्फ और सिर्फ 2 टायर पर चलाया जाए तो वो भी ये चल लेती है जो कि बाकी आरसी कार्स नहीं कर पाती। आप इसे एक्स्ट्रा रिमोट कंट्रोल से भी कंट्रोल कर सकते हैं। और सबसे खास बात इसकी ये है कि इसमें रेनबो लाइट्स का आपको कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है जो कि टायर्स के अंदर लगी होती है और रात को जलाने में बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लगती है। अगर आप इस अमेजिंग सी कार को परचेज़ करना चाहते हैं तो ये आपको काफ़ी सस्ते प्राइस पे, बहुत ही कम प्राइस पे मिल जाएगी इस वक्त, तो इसको आप डिस्क्रिप्शन के लिंक से परचेज़ कर सकते हैं। इसकी प्राइस वैसे तो बहुत ज़्यादा रहती है लेकिन इस वक्त इस पर डिस्काउंट चल रहा है तो मैंने सोचा कि आपको इसके बारे में इन्फॉर्म कर दिया जाए। तो अभी जाके आप इसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक से Koprix.com से परचेज़ कर सकते हैं। और ये बात कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइए कि अगर आप इसे परचेज़ करते हैं तो क्या आप इसे गिफ्ट करना चाहेंगे या आप खुद के लिए इसको खरीदना चाहेंगे। तो फिलहाल बात करते हैं हमारी नेक्स्ट कार के बारे में जो कि ऑफ रोडिंग में भी नेक्स्ट लेवल की है, मतलब आप उसे कितना भी चला लीजिए उसको कुछ नहीं होने वाला और साथ में बहुत ही ज़्यादा बड़े टायर्स के साथ आती है जिससे कि इसको ग्राउंड क्लियरेंस बहुत ही तगड़ी मिल जाती है।
और इस कार की स्पीड मैं आपको बताऊं तो ये 25 किलोमीटर पर आवर तक चल लेती है, बहुत ही तगड़ी स्पीड से। मतलब आप एक साइकिल चलाते हैं उसकी स्पीड से आप इस कार को भी रन करवा सकते हैं। ये भी काफ़ी सारी सर्विसेज को टेस्ट करके हमने देखा कि ये कैसी सर्विसेज पे चल सकती है, तो भाई ये तो मज़ा आ गए। मतलब ये सैंड पे भी चल लेती है, स्टोन्स पे भी चल लेती है और काफ़ी ज़्यादा उबड़ खाबड़ सर्विसेज को भी ये आराम से कवर कर लेती है, इसको कोई दिक्कत नहीं आती। इसकी बैटरी लाइफ भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, 50 मिनट्स का आपको रन टाइम देखने को मिलता है और चार्जिंग टाइम के बारे में बात की जाए तो 2 आवर्स का यहाँ पर भी आपको चार्जिंग टाइम देना पड़ता है। इसके अंदर आपको 30 डिग्रीज तक के एंगल पे इसे घुमाने का फीचर देखने को मिलता है, यानी कि 30 डिग्रीज तक, जिससे कि कार का बेस जमीन पे टच नहीं करता और काफ़ी इजीली ये उबड़ खाबड़ सरफेसेस को कवर कर लेती है। तो अगर आप इसे खरीदना आप इसमें बड़े आराम से टर्न्स लगवा सकते हैं। इसमें बॉडी रेशियो आपको 1:14 का देखने को मिलता है, व्हील बेस इसमें 195 mm का है जो कि काफ़ी अच्छा है और काफ़ी अच्छी ग्राउंड क्लियरेंस प्रोवाइड करता है। अगर गाइज आप RC कार की जगह प्रीमियम सेगमेंट की लग्जरी कार लेना चाहते हैं तो यहाँ पर आपके लिए लग्जरी कार सेगमेंट में स्पोर्ट्स कार हम लेके आ गए, जो कि ज़्यादा प्राइस में नहीं आती, इसकी प्राइस बहुत ज़्यादा कम है और ये ट्रांसफॉर्म हो जाती है, ये कार से रोबोट बन जाती है, रोबोट से कार बन जाती है। ये असल में एक रिमोट कंट्रोल कार है जिसके साथ आपको एक रिमोट कंट्रोल और एक कार मिलती है जिसे आप रोबोट में चेंज कर सकते हैं। इसमें आपको डुअल LED लाइट्स का सपोर्ट मिल जाएगा और काफ़ी अच्छी स्पीड पे आप इसे दौड़ा सकते हैं। ये उबड़ खाबड़ सर्विसेज के लिए तो नहीं बनी है लेकिन आप इसे प्लेन सर्विस पे काफ़ी इजीली चला सकते हैं और इसकी स्पीड भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। इसमें आपको 3 AAA बैटरीज देखने को मिलती है इसके कार के अंदर और इसके रिमोट कंट्रोल के अंदर आपको 2 AAA बैटरीज लगानी पड़ेगी। इससे आप काफ़ी सारे स्टंट्स वगैरह भी करवा सकते हैं और एक सिंगल व्हील के ऊपर ये पूरी 360 डिग्री भी रोटेट हो जाती है। इसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा अच्छी है तो काफ़ी अच्छी तरह से आप इसे दौड़ा पाएंगे, लेकिन इसका ग्राउंड क्लियरेंस इतना ज़्यादा नहीं है जबकि ये स्पोर्ट्स कार है, तो वो तो बात बनती है कि स्पोर्ट्स कार है तो फिर ग्राउंड क्लियरेंस नहीं होगी। तो यहाँ पर स्पीड की वजह से आप इसे खरीद सकते हैं, अगर आप किसी को गिफ्ट करना चाहते हैं तो भी ये बेस्ट ऑप्शन रहने वाला है। तो अगर आप इसे खरीदना चाहते हैं तो ये आपको 800 rupees की प्राइस पर मिल जाएगी कॉपरिक्स पे, डिस्क्रिप्शन के लिंक से आप इसे अभी जाके खरीद सकते हैं। कैसी लगी कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर बताना। तो गाइस अब बात करते हैं एक ऐसी कार्स के बारे में जो आपको बहुत छोटे छोटे साइज के अंदर देखने को मिलेगी, आपने कई सारी शॉप्स वगैरह में भी देखा होगा और टीवी वगैरह में भी देखा होगा ये वाली छोटी छोटी डिज्नी वाली कार को। तो ये डिज्नी पिक्चर्स कार जो मिनी कार्स होती है यहाँ पर आपको पूरा का पूरा एक सेट मिलेगा और बहुत सारी कार मिलेगी। इसके साथ आपको एक बड़ा सा ट्रक भी देखने को मिलता है जिसमें इस कार को सारी कार्स को आप रख के इनसे मज़े ले सकते हैं। डिज्नी की ये कार आपको रिमोट कंट्रोल के साथ नहीं मिलती, यहाँ पर आपको ड्रैग एंड मूव का कंसेप्ट देखने को मिलता है। अगर आप जस्ट टाइम पास करने के लिए कार्स परचेज करना चाहते हैं या फिर आपने घर के अंदर सजा के रखना चाहते हैं, रूम के अंदर रखना चाहते हैं, तो ये वाली कार्स को आप खरीद सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक भी आपको मिल जाएगी। तो कैसी लगी आज की ये RC कार्स और आपको सबसे अच्छी गाड़ी कौन सी लगी इसके बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और क्या आपके पास अभी कोई RC कार है? अगर है तो फिर कमेंट करके उसका नाम भी एक बार बता दीजिए। तो दोस्तों अगर इस तरह की गैजेट्स वाली वीडियोस और कार्स और RC टॉयज स्मार्ट वॉचेस की वीडियोस देखना आपको पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर सेट कर दीजिए ताकि इस तरह की अमेजिंग वीडियोज़ फिर कभी आपसे मिस ना हो। तो